बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच हाजिर हुए सबसे ज्यादा बड़ी तमाम खबरों को लेकर। साथ एक खबर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी तमाम खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ कर रही हैं, और किसान आंदोलन में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ फैसला आया है। आज की इस वीडियो में हम आपको सभी खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और सभी खबरों को विस्तार से समझाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के पास व इस देश के व्यक्ति के पास पहुँचा दीजिए। साथियों, अब हम आपको पूरी खबरें विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, हम आपको बताने की कोशिश करें तो समाजवादी पार्टी इस समय किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार दौरे पर हैं। आखिर वो दौरे पर क्यों हैं, हम आपको बताते हैं। आप सभी को पता ही और हमें भी पता है और जो नेता हैं राजनेता हैं उनको भी पता है कि 2022 में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इसकी तैयारियां में जुट चुके हैं। अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी इस समय बहुत ही ज़्यादा सबसे जितनी भी जो पार्टियां हैं उनसे आगे तैयारी करने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी से जो प्रोग्राम सेट कर दिए हैं, अखिलेश यादव लगातार दौरे पर हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, अखिलेश यादव जी भी किसानों के साथ मैदान में उतरे थे और आपको पता ही है कि अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। साथियों, फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके आक्रोश के बाद अखिलेश यादव जी को छोड़ दिया गया। साथियों, हम आपको बताने की कोशिश करें तो लगातार आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अखिलेश यादव जी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मैदान में हैं, और अखिलेश यादव जी 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। लगातार घर से निकल चुके हैं और लगातार अपनी रैलियां, अपने रोड शो वगैरह वगैरह जो यानी घर से निकल कर सभाएँ कर रहे हैं। लगातार आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे और जो भी कद्दावर नेता हैं इस उत्तर प्रदेश में उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं अखिलेश यादव जी। साथियों, अब बात कर लेते हैं भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में। साथियों, हम आपको बताने की कोशिश करें तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी लगातार घर से निकल चुके हैं और उसी प्रकार से भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी बड़े ही बड़े संगठनों के व पार्टियों के राजनेता व राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और हो भी सकता है कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन भी कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पिछले दिनों भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हमने मिलकर 2022 में जो होने वाले चुनाव हैं उनकी तैयारियाँ, उनकी रणनीति तय की हैं। तो साथियों, इससे आप समझ सकते हो कि चंद्रशेखर आजाद जो 2022 में होने वाले चुनाव के लेकर गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे, ना कि अकेले। साथियों, इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के बारे में। साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे जो मैडम चीफ मिनिस्टर जो मूवी आने वाली है, इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकार हालांकि कोई नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा है, पर साथियों सुरेंद्र भदौरिया जी का एक बयान आया था, उसमें साफ साफ बोला गया कि छवि खराब करने के लिए अक्सर हमारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए अक्सर ऐसी मूवी आती रहती हैं, समाज को गलत साबित करने के लिए ऐसी मूवी आती रहती हैं। पर साथियों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी का अपमान मान रहा है समाज, बहुजन समाज अपमान मान रहा है इस मूवी में, पर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल भी बोलने को तैयार नहीं है।
यानी कि जिस तरीके से विरोध करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। साथियों, हालांकि बहुजन समाज के सामाजिक संगठन व बहुजन समाज के कार्यकर्ता व बहुजन समाज के व्यक्तियों ने इस फिल्म का विरोध करना चालू कर दिया है। साथियों, हम आपको बताने की कोशिश करें तो भीम सेना के अध्यक्ष सतपाल तंवर जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां कहीं भी ये मूवी किसी भी थिएटर में रिलीज होगी तो उस थिएटर में आग लगा दी जाएगी। ये बात भीम सेना के अध्यक्ष, भीम सेना चीफ सतपाल तंवर ने बोली, गुड़गांव हरियाणा से हैं जो। साथ ही उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उनमें बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को नज़र आया था हमने। हालांकि हमने उनकी वीडियोज नहीं लगाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से वो भड़क रहे थे, कहीं ना कहीं हमें ये जो YouTube की गाइडलाइंस का उल्लंघन लगा, इसलिए हमने वो वीडियो नहीं लगाए। पर साथ ही हम आपको बता दें, इस फिल्म का विरोध हर एक व्यक्ति कर रहा है, बहुजन समाज का व्यक्ति कर रहा है, पर बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता हैं, वो नहीं कर रहे। हालांकि वो अक्सर कहते रहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का अपमान कतई भी नहीं सहन करेंगे, पर साथियों इस समय ये देखते हुए भी अपमान सहन कर रहे हैं, अंदाजा ये लगाया जा रहा है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो भी 2022 के चुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही हैं और छोटे से लेकर बड़े मुद्दे पर ट्वीट्स करती हैं। हालांकि वो जिस तरीके से मैदान में आना चाहिए उस तरीके से नज़र नहीं आ रही हैं, पर साथियों आगे आने वाले दिनों में बहन जी आगे मैदान में नज़र आ सकती हैं। पर कार्यकर्ता व पदाधिकारी एक्टिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, जहां कहीं पर भी घटना घटित होती है तो वहां सबसे पहले पहुंचने का अब काम करते हैं। तो साथियों, हम आपको बता दें, किसान आंदोलन को भी बहन जी ने उठाया और किसान आंदोलन के जो मांगे हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उनका भी समर्थन किया। केंद्र सरकार से मांग भी की इन बिलों को वापस लिया जाए, इन कानूनों को वापस लिया जाए। तो साथियों, हम आपको बता दें बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक्टिव हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक्टिव हैं और भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में उतर चुके हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उनके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी। साथियों, हम आपको बता दें बड़ी खबर, जिस तरीके से जो लगातार मैदान में उतरे हैं वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब देखने की बात ये होगी, ये उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है पूरे देश का, तो साथियों इसमें अब किसकी सरकार बनेगी? आप अपनी कमेंट में राय दें, अपना ओपिनियन कमेंट में दें और आप ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, किस जिले से, किस कस्बे से देख रहे हो, जिससे कि हमें भी तो पता चल सके कि हमारे चाहने वाले कहां कहां तक हमसे, कहां कहां से हमको सपोर्ट करते हैं। तो अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस अवश्य डालें कमेंट बॉक्स में, हम हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ते हैं और जिसका रिप्लाई देना होता है उसका रिप्लाई भी देते हैं। आप देख रहे थे एक कदम भीम मिशन की यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी।